देखिए जहाँ तक COVID-19 से पैदाशुदा सूरत हाल का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में यानी इस पूरे रीजन में, वो बाकी मुल्क की जो सूरत हाल है उससे ज़्यादा ही ख़राब है। वो इस वजह से कि यहाँ लॉकडाउन कई महीनों से चल रहा है। अगस्त 5 को जब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया, मनमानी की गई और यहाँ हमारे जो लंबी जद्दोजहद के बाद क्विट कश्मीर मोमेंट का एक हासिल था, जो हमें मिला था जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, उसे भी ख़त्म किया गया और उसके बाद ही यहाँ अमलन लॉकडाउन क्या बल्कि क्रैकडाउन से गुजरना पड़ा हमारी पॉपुलेशन को। पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स, आम लोग, उनकी ज़िंदगी मफरूज हो गई। पहली बार ऐसा हुआ जहां यात्रा को रोक लिया गया, पहली बार ऐसा हुआ जहां जो होटलों में टूरिस्ट थे उनको धकेल कर गाड़ियों में बिठाया गया। और ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ भी प्रिवेंटिव डिटेंशंस के केस रजिस्टर हो गए या बदनामी जमाना पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इस्तेमाल किया गया, जिन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ज़्यादा वोट हासिल करने की तरकीब है उसका इस्तेमाल किया। पहले तो इल्ज़ाम ये था कि जो बायकॉट करने वाले हैं उनके खिलाफ बंदिशें थीं, लेकिन अब पहली बार ऐसे तजुर्बे से गुजरना पड़ा हमारे लोगों को जहां वोट मांगना भी कानून और आईन को के लिए नुकसानदेह समझा गया हाकिमों के ज़रिए। बहरहाल लंबी कहानी है और दुनिया जानती है क्या कुछ गुजरी हमारे अवाम पर, हमारी रियासत जो यूनिक रही है अपने कल्चर के लिहाज से, डाइवर्सिटीज़ के लिहाज से, हिस्ट्री के लिहाज से, आनन फानन इसको तकसीम किया गया। आनन फानन हमारी मांग रही है आज तक कि हमें ज़्यादा अख्तियारात दिए जाए, वो अख्तियारात बहाल किए जाए जो आईन ने दिए हैं, जो इलहाक के वक़्त महाराजा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दरमियान तय पाए थे। इसके बरक्स स्टेट का दर्जा भी ख़त्म किया गया और दिल्ली की एक म्यूनिसपैलिटी में तब्दील किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। म्यूनिसपैलिटी का दर्जा है हमारे लिए अब। तो इस वजह से लॉकडाउन पुरानी कहानी है, अब लॉकडाउन जब पूरे मुल्क में नाफिज हुआ कोरोना वायरस की वजह से, इसका मुकाबला करने की खातिर, लेकिन इसका तकाजा था कि एक मनसूबा बंद तरीके से लॉकडाउन का इजरा किया जाता, लागू किया जाता, ताकि आम शहरियों को तकलीफ दे सिचुएशन का सामना करते हुए उनके तकालीफ में इजाफा नहीं होता बल्कि उनसे निपटने का कोई रास्ता मिल जाता, राहत मिल जाती। आज आप देख लीजिए पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिन्हें आप लेबर फोर्स के नाम से जानते हैं, माइग्रेंट वर्कर के नाम से जानते हैं,
किसानों की आबादी है, आज हालत क्या है? इस सिस्टम का खोखलापन सामने आया। हुक्मरानों की के दावे अपनी जगह, वो तालियां बजाए, बिजली बुझाए, क्षमा जलाए, कुछ भी करे, अपनी नाकामियों का जश्न भी मनाए, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क के करोड़ों आवाम, खास तौर पर वो जो दिन भर की मेहनत करके अपनी रोटी कमाते हैं, उन पर क्या गुजरी? आज हेल्थ एडवाइजरी है कि घर में रहो। कितने ही लोग हैं अभी भी, लाखों की तादाद में, जिन्हें सर छुपाने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। कितने ही बच्चे हैं लाखों की तादाद में इस मुल्क में जो सड़कों पर है, और उन मजदूरों को हमारी रियासत की तरह, जब लॉकडाउन की वजह से 5 अगस्त के बाद हमारी इकोनॉमी मफलूज हो गई, टूरिज्म बैठ गया, एग्रीकल्चर को इतना नुकसान पहुंचा कुछ अनटाइमली स्नोफॉल की वजह से, और हैंडीक्राफ्ट्स पर निर्भर करने वाले हजारों की तादाद में आर्टिजन्स, उनकी रोजी रोटी छिन गई। तकाजा था कि गवर्नमेंट कुछ रिलीफ मुहैया करती, दावे तो किए, ऐलान किए, लेकिन हकायक ग्राउंड पर यही बता रहे हैं, आर्टिजन को कुछ नहीं मिला, किसान को जो पिट गया, जिसके दरख्त तक उजड़ गए, सैफरान बनाने वालों, सेब बनाने वालों, और जम्मू में जो शाली बनाने वाले लोग हैं, उनकी फसलें बारिश की वजह से तबाह हो गई, लेकिन मुआवजा कुछ नहीं। और यही वजह है कि हमारी आबादी में एक अच्छा खासा हिस्सा मुल्क के बाकी हिस्सों में मजदूरी करने के लिए, अपनी मेहनत बेचने के लिए हिमाचल गया, पंजाब गया, राजस्थान गया, यूपी गया, दिल्ली गया, हरियाणा गया, और मुख्तलिफ जगहों पर शाल बेचने के लिए गया। उन्हें मौका नहीं मिला वापस आने का, मोहलत नहीं मिली सरकार की तरफ से मजदूर को, मेहनत कश को, कारकुन को, कि वो कम से कम घर आकर अपने फैमिली के बीच में, अपने झोंपड़ी के अंदर बैठ जाता, कोरोना वायरस का मुकाबला कर लेता। धकेल दिया सरकार ने, बाकी करोड़ों मजदूरों की तरह, किसानों की तरह, जम्मू कश्मीर के मजदूर को भी, लद्दाख के मजदूर को भी, कारगिल और लेह के मजदूर को भी सड़क पर फेंक दिया। मिन्नतें की वहाँ से, यहाँ से फरियादें की घर वापसी के लिए इंतज़ाम किया जाए, बहुत देर लगा दी। ऐलान किया ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम होगा, आज उन मजदूरों से पूछ लीजिए जो घर पहुँचे हैं, कितना इंतज़ाम किया था, कितना ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया गया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ लेफ्ट पार्टीज़ के, ख़ास तौर पर CPIM के कारकुनों को, अवामी तंजीमों को, और भी लोग हैं, बड़ी तादाद है जिन्होंने संभाला हमारे इस खत्ते के मजदूर को, जो बेबस था, जो अपने आप को तन्हा महसूस करता था, चाहे हिमाचल की बात हो, पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, यूपी की बात हो, राजस्थान या दिल्ली की बात हो, भोपाल की बात हो, हर जगह संभाला वहाँ के आवाम ने, और ख़ास तौर पर
अवामी तंजीमों से वाबस्तगी रखने वाले कारकुनों ने, हम मशकूर हैं उनके। कुछ घर पहुंचे, अभी भी यूपी का हाल ये है, मुझे फोन आ रहे हैं अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। कलकत्ता से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ तो हज़ारों की 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोग जो शाल बेचने वाले हैं, ज़्यादातर तादाद गुजरात में हमारे बच्चे हैं अभी, और जगहों पर कब आएंगे, कब उनको नसीब होगा घर पहुँचना, ये कहना मुश्किल है। और आज भी ये जो कह रहे हैं कि हमने अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऐलान किया 1-1 हज़ार रुपये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को और वर्कर्स को, उनसे ज़रा पूछा जाए 1 हज़ार आज के महंगाई के वक्त में माने क्या रखता है। हमने मुतालबा किया, अभी प्राइम मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी हाहाकार मचा दी पूरे देश के अंदर, इतने लाख करोड़ रुपए पैकेज का ऐलान। एक सवाल है उस मजदूर के लिए क्या है जिसके रोजी छिन गई, उस किसान के लिए क्या है उसमें जिसका न सिर्फ सेब तबाह हो गया, जैफरान तबाह हो गया, बल्कि पेड़ तक तबाह हो गए। उस आर्टिजन के लिए क्या है, उस कैजुअल लेबर के लिए, डेली वेजर के लिए जो टूरिज्म के साथ वाबस्तगी रखता है, उसके लिए क्या है। हमने मुतालबा किया था मिनिमम दिल बड़ा करे मोदी साहब, लेकिन दिल तो बड़ा है, वो तो अपने दाएं बाएं यार दोस्तों के लिए ज़रूर है, वो तो अडानी अंबानी के लिए है, लेकिन मजदूर के लिए कहाँ, आर्टिजन के लिए कहाँ, किसान के लिए कहाँ, बेरोज़गार के लिए कहाँ, कैजुअल लेबर पर कहाँ। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज भी ये नाकामियाँ तकाजा करती थी, क्या आज इस वायरस के वक्त भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसका मुकाबला करने के लिए हर सेक्शन को मुनज़्ज़म होना चाहिए, एक साथ मिलकर तदबीरें वज़ा करनी चाहिए ताकि इस वबा का मुकाबला हो, लेकिन आज भी तमीज़ बरता जा रहा है हुक्मरानों की तरफ से। आज भी भूख से जो तड़प रहे हैं, पानी से जो तरस रहे हैं, दवाई खरीदने के लिए जो महताज हैं, उनके बारे में सोचा नहीं जाता। मैं आज सलाम पेश करना चाहता हूँ उन तमाम वॉरियर्स को, बहादुरों को, जियालों को, जो आज भी सड़कों पर हैं, दफ्तरों में हैं, काम करते हैं, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, आंगनवाड़ी वर्कर तक। मैं और लोगों को आज भी, हमारे मीडिया वाले भी उजागर करते हैं, कोशिश करते हैं ग्राउंड सिचुएशन को पेश करने की, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। मैं उन्हें सलाम करता हूँ जो आज भी दफ्तरों में जाकर एसेंशियल सर्विसेज को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं वो, लेकिन उन्हें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की ज़रूरत है, उन्हें पीपीई की ज़रूरत है, और हमारे अस्पतालों में और जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी कमी है काफ़ी, उसकी ज़रूरत है, टेस्टिंग को और बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें कमी है। ये सब चीज़ें हैं जिनकी तरफ फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर चाहे जम्मू का सवाल हो, कश्मीर का सवाल हो, चाहे बाहर और रियासतों से आए हुए यहाँ कश्मीर में, जम्मू में और जगहों पर काम करने वाले मजदूरों का ताल्लुक है, उनकी घर वापसी एक अहम मसला है, और उनकी उजरतों का सवाल है, और
उनकी बेकारी की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए उन्हें माली मावनत चाहिए, वो माली मावनत जो मजाक नहीं, जिससे उनका पेट भर सके। और यहाँ एक और मुसीबत है हमारे लिए, आज जबकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सेस चाहिए डॉक्टरों के साथ इस वबा का मुकाबला करने के लिए, नेट की सहूलियात। आज पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कि हमें कहा जाता है अब घरों से काम शुरू कर लो, हमें कहा जा रहा है हमारे बच्चों को कि आप पढ़ाई घरों से कर लो, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे टीचर। भला कहाँ हमारी इस खत्ते की बदनसीबी ये है, मोदी साहब ने कहा कि डिजिटलाइज कर लूँगा पूरे देश को। हमारी ये बदनसीबी कि हम सुप्रीम कोर्ट भी गए वावेला करने के लिए, फरियाद करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें फिर हवाले किया उनके ही दरवाजे पर, जो ये नहीं चाहते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी में आसाइश आ जाए, हमें राहत मिले। ये पहली बार हुआ है जो मुझे पता चला, जो मेरी जानकारी में, कि मुदी भी और मुदालिया भी, मुनसिब भी एक ही जगह खड़ा है, एक साथ मिलकर काम करते हैं। बड़ा इंसाफ मिले तो कहाँ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हालिया फैसला, इसने हमारे आवाम को, हमारे नौजवानों को, हमारे पूरी पॉपुलेशन को जम्मू कश्मीर में मायूस कर दिया। और मायूसी ये भी है कि और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है वो अभी खामोश हैं ऐसे बुनियादी सवालात को लेकर। लेकिन यहाँ कश्मीर में हमें लॉकडाउन की आड़ में भी आप देख लीजिए, जहाँ अभी भी प्रेस के लिए कोई फ्रीडम नहीं है, इंटरनेट की सहूलियात नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में कई किस्म की दुश्वारियाँ पहले से ही मौजूद हैं, जर्नलिस्टों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ करना, बदनामी जबाना, UAPA का इस्तेमाल कर लेना, मनगढ़ंत मुकदमे दायर करना, ये कश्मीर में हो रहा है। और मैंने पहले कहा था कश्मीर एक लेबॉरेटरी है, यहाँ जो आज होगा वो कल कहीं और उसको दोहराया जाएगा। अगर यहाँ ना इंसाफी है आज, कोई ये समझे ये सिर्फ कश्मीरों की तकदीर का सवाल है, मेरा मानना है कि देर ना कर ले और लोग, आज कश्मीर अगर ज़्यादतियों का शिकार है, क्या मालूम कल ये मनमानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी बाकी लोगों के ख़िलाफ़ भी। आपको ये मालूम होगा गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब क्या, वो उनको तो दिल्ली के होम डिपार्टमेंट के हुक्म के ताबे काम करना है। यहाँ लॉकडाउन है और नेशनल चैलेंज है, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा बनीनुमा इंसान के लिए एक सबसे बड़ा एक नाजुक दौर है, नाजुक दौर से गुजर रहे हैं हम। लेकिन यहाँ की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने इस लॉकडाउन की आड़ में हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट का राइट था, कानून था, उसको बदल दिया। इसी दौरान मैं मुल्क के मुहिबे वतन जमहूर नवाज इंसान दोस्त कुवतों से अपील करना चाहता हूं, समझ लें आप, इन्हें टाइम नहीं है हमें राहत देने के लिए, इनके पास वसीले नहीं हैं हमें संभालने के लिए, लेकिन इनके पास टाइम है बगैर किसी कंसल्टेशन, बगैर किसी डिबेट, बगैर किसी डिस्कशन, जो डोगरा रूलर्स से कानून बना था उसको बदल दिया गया।
निशाना क्या है? निशाना ये है, डेमोग्राफिक चेंजेस लाना। निशाना क्या है? जम्मू का मुफाद नहीं। अगर हम पिट जाएंगे, जम्मू के पॉपुलेशन को भी राहत नहीं होगी, लद्दाख को भी राहत नहीं होगी। लेकिन इस नाजुक वक्त में भी इन्हें अगर फिक्र है वो कोरोना पर मुकाबला करना नहीं, उस पर काबू पाना कम, लेकिन यहाँ के कानून को बदलना अपने मुफाद के मुताबिक, ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ये तो गलतफहमियाँ हैं, आप ऐसा करके आसान कर रहे हैं उनका काम जो यहाँ चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी रहे, आप उनके लिए मैदान हमवार कर रहे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता रहे मजबूत हिंदुस्तान के साथ। और आज भी मैं हैरान हूँ, जबकि हम सब लॉकडाउन में हैं, घरों से बाहर निकलना नहीं और घरों से निकलने में मुनासिब वक्त भी नहीं, आज आप पॉलिटिकल लीडर्स पर फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, महबूबा मुफ्ती पर 3 महीने का, शाह फैसल पर, अली मोहम्मद सागर पर, और लीडरों पर, कई और लीडर भी हैं जो घरों में नज़रबंद हैं, छोड़ा गया है उन्हें, लेकिन घर से बाहर जाना नहीं, वैसे भी उनको अपना मन भी नहीं करेगा आज के वक्त में बाहर जाना। लेकिन सरकार का रवैया देख लीजिए, ये कश्मीर है, यहाँ ऐसा हो रहा है। बहरहाल मुझे इस बात पर यकीन है कि मुल्क के आवाम, मेहनत कश आवाम, जम्हूरी कुव्वतें, ये जो रविश अपनाई है मनमानी की बीजेपी गवर्नमेंट ने, उस पर रोक लगाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर लेंगे। कोरोना वायरस पैंडेमिक पर काबू पाना हर शहरी की जिम्मेदारी है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जो भी हेल्थ माहिरीन की तरफ से एडवाइजरी है उसका पालन करना हर शहरी का के लिए ज़रूरी है। लेकिन इस आड़ में अगर ये सरकार समझे कि हम लेबर लॉज को बदल कर हमें स्लेवरी के वक्त उस अंधेरे में फिर धकेलना, मजदूर तबका ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मेहनत कश ने लड़ाइयाँ लड़ी है, जुदोजहदें की है, खून का जान का नजराना पेश किया है, ये हकूक हासिल किए 8 घंटे का दिन, ये हकूक हासिल किए हैं यूनियन बनाने का हक, इसे आप इस आड़ में आप इसको हमसे छीन ले। हमारा मेहनत का शवाम सख्त रखता है, भूख से भी मुकाबला कर लेगा और सरकार की ज्यादतियों का भी। ये मेरा मानना है और मुझे उम्मीद है कि तारीख आगे ही बढ़ेगी।